प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे का दूसरा दिन रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में संतों से लिए आशीर्वाद। आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर बेलूर मठ में ध्यान करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास कर नागरिकता कानून वापस लेने की मांग की। सोनिया बोली, धार्मिक बंटवारे वाला कानून। ममता ने कहा, सीएए एनआरसी एनपीआर कबूल नहीं। नागरिकता कानून के समर्थन में मामले में 9 छात्रों को दिल्ली पुलिस का नोटिस। सोमवार से पूछताछ के लिए बुलाया। व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर 37 लोगों की पहचान का भी दावा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार हिजबुल कमांडर समेत 3 आतंकी होंगे। साथ ही युवा दिवस के मौके पर मठ से ही देश के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 11 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। यहां पीएम पोर्ट ट्रस्ट के सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन निधि के घाटे को पूरा करने की अंतिम किस्त के रूप में 501 करोड़ रुपए के चेक सौंपेंगे। ट्रस्ट के 105 और 100 साल के 2 पेंशन भोगियों को पीएम सम्मानित भी करेंगे। यहां पीएम बंदरगाह गान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी शनिवार को 2 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर अपना विरोध भी दर्ज कराया। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी छात्र इकाई की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची। पीएम मोदी ने शहर के 4 पुनर्विकसित धरोहर भवनों को समर्पित किया। पीएम मोदी के साथ बैठक के ठीक बाद ममता बनर्जी सीए के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुई, जहां उन्होंने अपना रुख दोहराया कि नए नागरिकता कानून को बंगाल में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। ममता ने पीएम के साथ बैठक को शिशु मुद्दों को देखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वह कुछ सरकारी कार्यक्रमों के लिए कोलकाता आए हैं, इसलिए यदि कोई मौका अत्याचार भेंट करार दिया। ममता ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि वह इन मुद्दों पर फिर से विचार करें और सीए वापस लाता है तो वे दिल्ली में इन विषयों पर बोलेंगे। ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि पीएम मोदी ने क्या कोलकाता के मिलेनियम पार्क में हावड़ा ब्रिज के नाम से मशहूर रविंद्र सेतु के इंटरैक्टिव लाइट एंड साउंड शो जवाब दिया, तो ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यों से संबंधित मामले के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि वह दस्तावेजों और एक का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर कोलकाता में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों और अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा है कि जेएनयू और दूसरी जगहों पर युवाओं और छात्रों पर हमले की घटनाओं के लिए उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सीएए भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी है, इसका उद्देश्य भारतीयों को धार्मिक आधार पर बांटना है। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी देशव्यापी अभियान चला रही है। आज अमित शाह जबलपुर में रहेंगे। जबलपुर में अमित शाह की रैली गैरिसन ग्राउंड में होगी, जिसके लिए विशाल सभा स्थल तैयार किया गया है। अमित शाह ने अहमदाबाद में एक बार फिर राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक को चुनौती दी है, कोई इस कानून को मुस्लिम विरोधी साबित करके दिखाए। जेएनयू हिंसा मामले पर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार से पूछताछ शुरू की जाएगी। सबको अलग अलग दिन और अलग अलग समय पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एसआईटी ने जिन 9 छात्रों का फोटो मीडिया में जारी किया था, उनको पुलिस ने बुलवा भेजा है। नोटिस भेजने वाले लोगों में अगर कोई भी पूछताछ में शामिल नहीं होता तो उसे फिर से नोटिस भेजा जाएगा। जेएनयू के वीसी ने छात्रों से अपील की है कि वे वापस यूनिवर्सिटी आ जाएं। एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। जेएनयू में 13 जनवरी से एकेडमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। सीनियर वार्डन से हॉस्टल की जांच करने को कहा गया है, कहीं कोई बाहर से आकर तो हॉस्टल में नहीं रह रहा। 5 जनवरी को जेएनयू में हुई हिंसा मामले में जेएनयू प्रशासन द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वहीं जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने कैंपस में हुई हिंसा के दौरान बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से 37 छात्रों की पहचान करने का दावा किया है।
दूसरी तरफ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने कैंपस हिंसा में दिल्ली पुलिस की जांच को धोखाधड़ी और फर्जी बताया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने देश के मौजूदा समय में चल रहे माहौल को लेकर चिंता जताई है। गावस्कर ने कहा कि हम एक राष्ट्र के रूप में तभी आगे आ सकते हैं जब हम सब एक साथ होंगे, जब हम में से हर एक केवल भारतीय होगा। हमारे कुछ युवा कक्षाओं में रहने के बजाय सड़कों पर हैं, जबकि अभी भी छात्रों की बड़ी संख्या कक्षाओं में करियर बनाने और भारत को आगे बढ़ाने और बनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका होने से बड़ा हादसा हुआ है। धमाके के बाद इमारत का एक हिस्सा गिरा। बोईसर में हुई इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को पालघर की इस केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ था। इससे पहले फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई थी। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केमिकल फैक्ट्री में धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज 15 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दी। अधिकारियों के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। हादसा मुंबई के 100 किलोमीटर दूर बोईसर में मौजूद तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया के प्लेटफॉर्म नंबर F2 में हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, खिड़कियों के कांच टूट गए। धमाके की आवाज से आसपास के लोग भूकंप की आशंका के चलते दहशत में अपने घरों से बाहर आ गए। एहतियातन फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई बंद की गई। भारत में फिलीपींस के राजदूत रेमन बागटी सिंह ने जम्मू कश्मीर की यात्रा को आंखें खोलने वाला बताया। रेमन बागटी सिंह ने कहा कि मेरे लिए कश्मीर की यात्रा जानकारी से भरी हुई थी। लोग सड़कों पर टहल रहे थे और दुकानें खुली थी, सभी कुछ सामान्य था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकियों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर नवीद भी शामिल है। दूसरे आतंकी की पहचान रफी अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस को कई मामलों में दोनों की तलाश थी। यूपी के ललितपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती ने विपक्षी पर करारा हमला बोला। उमा भारती ने कहा कि विपक्ष कहता है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। यह सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। विश्व में बहुत सारे देशों के धर्म बदल गए, लेकिन भारत ही एक देश है जो नहीं बदला। यूपी के मिर्जापुर में नागरिकता कानून के समर्थन में लोक जागरण मंच की मुस्लिम महिलाओं और हजारों लोगों ने 300 मीटर लंबे तिरंगे के साथ पदयात्रा निकाली। विपक्षी दलों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। लोगों ने पीड़ितों की मदद करने वाली सरकार की नीति का स्वागत भी किया। पीएम मोदी 20 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से दूसरी बार विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसमें वो हाई स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के करनाल की एक बेटी खुशबू भी पीएम से संवाद करेगी। उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से न्योता मिला है। खुशबू अपने कुछ अध्यापकों के साथ परीक्षा को लेकर अपने मन की बात रखेंगी। उसने कुछ दिन पहले सरकार की वेबसाइट पर आवेदन किया था। खुशबू का कहना है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने मन से परीक्षा का डर दूर भगाना चाहिए और बगैर बोझ परीक्षा देनी चाहिए। नौसेना के लिए विकसित किए गए लड़ाकू विमान तेजस शनिवार को विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर सफलतापूर्वक उतरा। लड़ाकू विमानों के विकास की दिशा में ये एक बड़ी कामयाबी है। विमान की लैंडिंग में शामिल सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस कामयाब टेस्ट ने भारत को उन कुछ गिने चुने देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जो पोत पर उतरने में सक्षम लड़ाकू विमान विकसित कर सकते हैं। प्रयागराज माघ मेले में आज राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल का अनावरण किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय मंदिर के प्रस्तावित मॉडल का अनावरण करेंगे। यहां से साफ हो जाएगा कि अयोध्या में राम मंदिर कैसा होगा। मॉडल का निर्माण सीतापुर के कलाकारों के अलावा एक स्वयंसेवी संस्था की देखरेख में किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में धर्मांतरण, घर वापसी समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। इसी के बाद राम मंदिर के मॉडल का अनावरण होगा।
हरिद्वार में गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर साध्वी पद्मावती पिछले 29 दिनों से अनशन पर हैं, लेकिन उनके सुध लेने कोई भी अधिकारी या नेता नहीं पहुंचा। साध्वी पद्मावती का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है वो इसी तरह से अनशन पर रहेंगी। साध्वी पद्मावती का कहना है कि स्वामी सानंद जिन मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे वो भी उन्हीं मांगों को लेकर अनशन पर हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। पिछले कई दिनों से यहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। चमोली में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सड़क, मकान, दुकान सब बर्फ से लदे पड़े हैं। चमोली के औली में 7 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इन दिनों औली में विंटर स्पोर्ट्स की धूम है। हिमाचल प्रदेश का मनाली जहां एक तरफ बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सैलानियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। परेशानी के बीच ही लोग मस्ती भी करते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अगले 1-2 दिन में एवलांच की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। केदारनाथ धाम में भी कुछ दिनों की राहत के बाद भारी बर्फबारी से चारों ओर सफेद चादर बिछ गई है। सभी जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ सहित जिले के दूसरे हिस्से में जोरदार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी से जिले के कई रास्ते बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। 4 दिनों के बाद भी लोगों को आने जाने के लिए फिसलन भरे रास्तों पर पैदल ही अपना सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पीने के पानी के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कई इलाकों में सड़क बंद हो गई है। गुजरात के सूरत में तीसरी मंजिल से गिरे धागे के बड़े रोल की चपेट में आने से एक कारीगर बुरी तरह घायल हो गया है। जब कारीगर ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहा था तभी तीसरी मंजिल से लुढ़कता हुआ धागे का एक बड़ा रोल तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वाराणसी की नाजनीन अंसारी गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस का उर्दू में अनुवाद कर रही है। नाजनीन अंसारी 5 अध्यायों का उर्दू में अनुवाद कर चुकी हैं। 2 अध्याय अभी और बचे हैं। नाजनीन अंसारी मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती है। चंडीगढ़ में 94 साल की महिला उघामी आजकल कारोबारियों की मिसाल बनी हुई है, जिनके जज्बे की मुख्यमंत्री से लेके आम इंसान तक तारीफ करते हैं। 90 साल की हरभजन कौर ने बेसन की बर्फी बनाने का काम शुरू किया था। 850 रुपए किलो बेसन की बर्फी के लिए आज उनके पास वेटिंग लिस्ट होती है। सर्दियों के मौसम में हरभजन कौर के पास रोजाना 8 डिब्बों की डिमांड आती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है। पार्टी ने लगे रहो केजरीवाल नाम से अपना कैंपेन लॉन्च किया। इसे आम आदमी पार्टी के सदस्य और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने कंपोज किया। वीडियो लॉन्च करते वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, कैंपेन शो में दिल्ली के लोगों की आवाज़ है, ये चुनाव तक दिल्ली के कोने कोने में गूंजेगी। दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान और 11 को मतगणना है। मुंबई तीसरे नंबर। आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तराखंड के काशीपुर से केमिकल ग्लूकोज सिरप और रिफाइंड तेल खरीद कर लाते थे, जिससे सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता था। हरियाणा के मोहाली में लगे हजारों पेड़ नगर निगम की लापरवाही की वजह से दम तोड़ रहे हैं। पेड़ों के आसपास कंक्रीट लगे होने के कारण पेड़ों की जड़ों को हवा पानी नहीं मिल पा रहा। इस वजह से पेड़ों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और हरे भरे पेड़ कमजोर हो रहे हैं। पेड़ों को बचाने के लिए सेव माई ट्री नाम की फाउंडेशन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने पेड़ों के 2 मीटर रेडियस में लगे कंक्रीट को हटाने की मांग हाईकोर्ट से की। अयोध्या में खुले में शौच या फिर कूड़ा फेंकने पर अब 500 का जुर्माना लगेगा। इसके लिए अयोध्या नगर निगम ने शहर भर में पोस्टर चिपकाकर लोगों को चेतावनी दी है। 500 रुपए जुर्माना लगाने के लिए बकायदा नगर निगम ने एक टीम का गठन भी किया है। धर्मनगरी अयोध्या में पूरे साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। शहर में सफाई की व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए नगर निगम हर तरह की कोशिश कर रहा है। गुरुग्राम में 35 साल की महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से लैस दर्जन भर अज्ञात लोगों ने परिवार पर हमला किया। छोटे बच्चों से लेकर महिला और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया।